चैनल पर स्ट्राइक आया था जिसकी वजह से मैं 1 वीक तक अपलोड नहीं कर पा रहा था कोई भी वीडियो। दैट्स व्हाई माय व्लॉग इज लेट। आई होप सो आप लोगों को मजा आएगा, एंजॉय। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज का व्लॉग बहुत ज्यादा मजे का होने वाला है क्योंकि भाई हम लाहौर में और एक बहुत बड़े इवेंट के लिए हम आए हुए हैं, मैं, मिस्टर अब्बू, रूफी एंड एजे। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग जाके जो हम पेशावर से निकले हैं ना उसके क्लिप्स देख लो। इंट्रो मैं अभी लाहौर में कर रहा हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग मैंने जो है ना पेशावर से ही स्टार्ट की थी, तो भाई वो देखो पहले। सो हमारी गाड़ी जो है ना निकलने वाली है। चलो भाई, क्या सीन है लड़को, रेडी हो? फिर नहीं, इसने अभी से जो है ना दिल मारा हुआ, इसका दिल तंग है कि भाई क्या होगा, क्या सीन बस मैं ये लोग तो दो दो करके बैठे हुए थे, हम 5 लोग थे, मैं बेचारा अकेले बैठा हुआ था। काफी बोर होने के बाद मैंने सोचा मूवी देख लेते हैं। बस में सीट के सामने आप लोगों को स्क्रीन देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप लोग मूवीज, गेम्स और बहुत सारी चीजें जो है ना देख सकते हो। मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मैं सो गया। यहाँ पर हम स्टे करने के लिए रुके हैं, तकरीबन 15-20 मिनट का स्टे होता है और अभी हमने सुबहाना नमाज पढ़ी है, सही है, और तकरीबन 2 घंटे की नींद तो मैंने पूरी कर ली अपनी। वो तुम्हारा क्या सीन है, नींद की कि नहीं तुमने? मैंने तो 2 घंटे की नींद कर लिया यार, मजा आया फिर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गाइस, सो हम पहुंच चुके हैं फाइनली, वी आर इन लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अभी हम जो है ना अपने यहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है जहाँ पर हमने अपने रूम्स जो है ना वो बुक किए हुए हैं, तो अभी वहाँ पर जाने वाले। और मुझे तो सख्त नींद आई हुई है, जैसे ही जाऊँगा डायरेक्ट जो है ना अपनी नींद पूरी करूँगा। तो वी आर पहुंच गए नूब अगेन, गलत होटल में घुस गए, वहां से हमें बाहर निकाल दिया। क्या सीन है भाई, नींद आई हुई है कि नहीं यार? एक तो बहुत बड़ा शर्म है, गलत होटल से बाहर लात मार के निकाल दिया, दूसरा नींद भी आ रही है। ये रूफी की काम है, रूफी के सो जा इधर ही, सो जा मेरे लाडले। ओके गाइस, जो रूम्स हमने बुक किए थे तो वो जो है ना तकरीबन दोपहर 12 बजे के बाद फ्री होंगे। अभी हम आए हैं यहाँ पर तकरीबन सुबह के, क्या बज रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं बस 8:30 बज रहे हैं ना, सॉरी 7:30 बज रहे हैं। तो हम जो है ना यहाँ पर आए हुए हैं और एम ही बैठे हुए हैं जो है ना, इसको नींद भी आई हुई है इंसाफ को। और अभी हम जो है ना पूरा दिन यहाँ पर, मतलब 12 बजे से पहले अगर कोई रूम खाली हो गया, किस्मत अच्छी हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई इधर ही बैठे रहेंगे। ओके गाइस, सो हमारा नाश्ता लग चुका है, कम से कम यहाँ पर होटल में नाश्ता तो मिल रहा है फ्री का एक टाइम का, ठीक है। मुझे तो बस चाय पीनी है ताकि नींद थोड़ी सी भाग जाए, सर पे दर्द हो रहा है और थोड़ा सा जो सर दर्द है वो हल्का हो जाए। क्या सीन है लड़के, आ जा ना, तू तो ऐसे खड़े वो स्टेडियम वाला जो मीम है। हमारे साथ प्रैंक हो गया भाई, आ जाओ आ जाओ। सो भाई नाश्ता करते हैं, अभी दुआ करते हैं कि जल्दी से कोई रूम खाली हो जाए ताकि सो जाए हम। आ जाओ गरीब लोग, आ जाओ जल्दी आओ। ओके सो नाश्ते में हमारे पास क्या क्या है, ओ ये क्या है, इधर आओ। अच्छा ये हलवा है और ये पता नहीं क्या है, पता नहीं कि ये क्या है, दिख नहीं रहा सही से। देखो व्लॉग में गाइस, ये होते हैं मोबाइल एडिटर्स होने के फायदे, देखो खड़े खड़े थंबनेल बना रहा हूँ, खड़ा खड़ा थंबनेल बना रहे। ओ ये ब्रेड है, ठीक है, ये रोटी है और ये खाली प्लेट है। ओके सो ये हमारा नाश्ता है, बस कर जाइए, तीसरा कप है तेरा भाई, क्या कर रहे हैं। तकरीबन 10 बज रहे हैं और 2-3 घंटों के बाद एक रूम खाली हो गया, यहाँ पर अभी फिलहाल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और फिर जब दूसरा रूम खाली होगा ना फिर उसमें इंशाल्लाह सीन बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल भाई एक रूम है और एक बेड पे देखो, 1, 2, 3, 4 और इसकी जगह नहीं है। ये देखो इस वाले बंदे को हम जो है ना सुला रहे हैं तकरीबन। कौन मानेगा कि पाकिस्तान फ्री फायर के टॉप यूट्यूबर्स है जो एक बेड में घुसे हुए हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भाई मुझे जगह नहीं दे रहे यार, ये सारे लेटे हुए हैं और अभी अभी ये देखो हमारे जो इवेंट है जिसके लिए हम आ रहे हैं उसकी न्यूज चल रही है यहाँ पे। ओके अभी का सीन ये है कि भाई हम रेडी हो चुके हैं, खाना वगैरह खा के जल्दी से जो है ना इवेंट वाली जगह में निकलते हैं। सर रेडी टू गो, ठीक है, गाड़ी भी आ चुकी है, सो निकलते हैं। अच्छा क्या किया तूने रूफी? कह रहा हूँ मैंने अपना हेलीकॉप्टर धोने पे दिया हुआ है ना, इसलिए इधर इसलिए हम ऐसे। ओ अच्छा ठीक है, और उसके बाद वहाँ से लोडेड फ्राइज़ हैं जो कि मिस्टर अब्बू ने मंगवाए हैं और लाए भी नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास कबाब है जो आज के खाने में ये है। रैंडम में खड़े हो गए ना,
खाना वगैरह हमने खा लिए और हम मनाल के बिल्कुल टॉप पर है। आप लोगों को मैं यहाँ से लाऊं और दिखाता हूँ कि कैसे नज़र आता है, ये चेक करो भाई। हाँ रूफा, खाना खा लिया, मज़ा आया। ओके गाइस, मोनाल में खाना वगैरह खाने के बाद हम जो है ना होटल चले गए, वहाँ पर नमाज वगैरह फ्रेश होने के बाद अभी हम आ चुके हैं इवेंट वाली जगह पर, ठीक है, एक्सपो हॉल में आ चुके हैं लाहौर के। और अभी जो है ना हम अंदर जाके देखने वाले हैं कि भाई क्या सीन होने वाला है। हर टेकन 8 का भी जो है ना वो टूर्नामेंट हो रहा है, फ्री फायर का भी टूर्नामेंट हो रहा है और आई थिंक सो पबजी का भी हो रहा है, और तीनों का 15-15 लाख का प्राइस पूल चल रहा है। और अभी हम अंदर जाएंगे तो भाई टूर्नामेंट शुरू होगा, ठीक है, काफ़ी तफरी लगेगी, मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे। आ जाओ। ओके सो ये हमारे पास है एक्सपो हॉल 3 और वो मेन इवेंट वाली जगह है, ठीक है। वो क्या हो गया तुम्हारे साथ, पाँव में क्या घुसा है? इसके पैर में चुप्पी घुसी है। मुझे बहुत नजर लगती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। केस ओ सो ये तू ये हमेशा कैमरा पकड़ के मेरे मुंह पे क्यों डालता है? मुझे तुम्हारा मुंह बहुत पसंद है यार। ये कौन सा कॉस्प्ले हुए, इसका क्या नाम है? रूफा जो भी अच्छा है। स्पेस गैलेक्सी का क्या है? स्पेस गैलेक्सी का कोई है भाई, यार मुझे ऊंची हक लेने वालों से मिलना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हम मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी है और नमाज के बाद यहाँ पर सीधा आके लेट गया हूँ मैं। मेरे सर पे इतना गंदा दर्द हो रहा है ना कि भाई क्या बताऊँ भाई, दिल ही नहीं कर रहा बाहर जाने का। एंजॉय किया थोड़ा बहुत एक दो घंटा, बट दिल कर रहा है कि बस यहीं पर सो जाऊँ क्योंकि हमारी नींद नहीं पूरी और मेरे सर पर बहुत गंदा दर्द हो रहा है। यहाँ पर कोई शॉप वगैरह भी नज़दीक नहीं है ताकि मैं वहाँ से कॉफ़ी उठाऊँ, एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीऊँ और भाई वापस जो है ना चुस्त हो जाऊँ, बट नहीं है कुछ भी। इसलिए जो है ना मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा सा लेट जाता हूँ और थोड़ी देर तक रेस्ट करके फिर जाते हैं, कुछ खाते हैं और दोबारा से एनर्जी आए तो एंजॉय करते हैं। हाँ नमी भाई, ओके गाइस, सो अभी हम जा रहे हैं DHA राया, ठीक है। और जो बंदा लेके जा रहे हो बोल रहे कि भाई सस्पेंस है, जो यहाँ पर लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा कि भाई कैसी जगह है, लेकिन हमारे लिए सस्पेंस है, ठीक है, वहाँ पर जाके पता लगेगा कि भाई कैसी जगह है। काफ़ी तारीफें हो रही हैं, सो भाई लेट्स गो। क्या सीन है, अबू बकर आ जाएगा कि नहीं? AJ मेरी गोदी में बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आ चुके हम DHA में, ठीक है, और ये तो बहुत मज़े की जगह थी भाई, सरप्राइज देना था उसने और भाई हमें मिल भी गया। काफ़ी मज़े की जगह, आप लोग देख सकते हो यार, ये पूरी जगह इतनी हाई फाई, ऐसे लग रहे दुबई आ चुका हूँ भाई, रियली भाई बहुत मज़े की जगह है। अब यहाँ पर अभी हम जो है ना डिनर वगैरह करेंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। डिनर करने के लिए हमने यहाँ पर विशी लेब चूज़ की है, ठीक है, अभी यहाँ पर डिनर करेंगे। ओके सो खाना वगैरह हमने खा लिए, इसके साथ हमने ये स्पाइसी टेंडर्स भी ट्राई किए। इसके आंखों से अभी तक आंसू निकल रहे हैं, नाक से पानी निकल रहा है और इसके भी हालात ख़राब है। हालात क्यों खराब भाई, क्यों नहीं, ये देखना भाई, बाथरूम में पता लगेगा ब्रो आपको। लेकिन नोमी ने अभी अभी वीडियो डाली यूट्यूब पे और यूट्यूब ने रिमूव कर दी, गेम अकाउंट की डाली थी रिमूव करा दी, वैसे इसने डाली रिमूव कर दी। अच्छा गाइस, वीडियो पे स्ट्राइक आई है भाई, मेरा मूड तो बिल्कुल ख़राब है, व्लॉगिंग का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे भाई, वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करनी पड़ेगी। ये वार्निंग नहीं है भाई, स्ट्राइक आई है प्रॉपर तरीके से जिसकी वजह से मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया है। बट एनीवेज, इससे पिछली वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना क्योंकि ये व्लॉग तकरीबन 7-8 दिन बाद अपलोड होगा और अभी तक जो है ना मेरी अपलोडिंग बंद है, 7 दिन के बाद फिर मिलते हैं। आपके साथ तस्वीर खींच रही हूं भाई, कह रहा था कि
लाहौर में मैंने दो दिन गुजारे और भाई इस बच्चे से बड़ा फैन मुझे जो है ना अभी तक नहीं मिला। ये जैसे ही हमसे मिला भाई इतना पैनिक हो गया कि भाई इसके सांसे ही नहीं रुकी जा रही थी। अपने इसको पानी पिलाना चाहा, भाई पानी भी नहीं पी रहा था। फिर भाई इससे मैंने काफी गपशप लगाई, इसके साथ पिक्चर्स वगैरह खींचे, गेम में एड किया। सो भाई ये सबसे क्रेजीएस्ट फैन आई हैव एवर मेट एंड काफी क्यूट मोमेंट था। थैंक यू गाइज इतना प्यार दिखाने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। अच्छा गाइज आप लोगों का संगी पीटर पार्कर आप लोगों को दिखाता हूँ, स्पाइडरमैन एंड वेनम वही लड़के। और ये ऐसा पीटर पार्कर है स्पाइडरमैन है जिसने पैंट पहना है नीचे। बाहर निकले भाई मौसम चेक करो भाई, ये देखो भाई इस साइड पे कुछ नहीं है और इस साइड से तूफान आने वाले है वो देखो, मुझे बिल्कुल भी अच्छे वाइब्स नहीं आ रही। ये देखो गाइस थोड़ी देर के लिए बाहर निकले और भाई बारिश में फंस गए हैं। अभी होल 5 मिनट का रास्ता है बट इस हालत में नहीं जा सकते। शॉप पे जाना था, हाल से 2 मिनट के लिए निकले और अचानक से भाई बारिश शुरू हो गई। वो आम बारिश नहीं भाई तूफानी बारिश, 40 मिनट तक मुसलसल बारिश होती रही। हमें लगा गर्मियों की बारिश है भाई 5 मिनट में बंद हो जाएगी, लेकिन भाई फिर हमें जो है ना रिक्शा करना पड़ा। ये देखो भाई कहाँ फंस गए थे कसम से, इस रिश्ते में आए और हर जगह पानी ही पानी है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके साइडों से जाना पड़ेगा। अरे बापरे बापरे इधर से जाना है, अबे इधर से चलते हैं। ये देखो भाई 2 मिनट के लिए निकले हैं सिर्फ उसके चक्कर में, दुकान आने के चक्कर में, और हमारे साथ ये सीन। चलो फाइनली बैक साइड से हम आ चुके हैं, शुक्र है भाई। तकरीबन घंटा बाहर गुजारने के बाद वी आर हियर। सो ये था हमारे पास लाहौर का व्लॉग। आई होप सो आप सब ने इन्जॉय किया होगा। मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।